हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे। आगे खबरों को सुनने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इंडिया वेप नंबर वन को सब्सक्राइब करें, सदस्य बने जिससे आपको खबर तुरंत पा सके। क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे भी क्रिकेटर हुए हैं जिन्होंने अपने देश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में एक बड़ा नाम और मुकाम हासिल किया, लेकिन अपने करियर में कभी ICC क्रिकेट विश्व कप का हिस्सा नहीं बन पाए। हम आपको ऐसे ही पांच बड़े क्रिकेटरों के बारे में बता रहे हैं। प्रतिभाशाली होने के बावजूद कई क्रिकेटर्स ऐसे भी रहे हैं जिन्हें क्रिकेट विश्व कप में खेलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उनमें से ही एक बड़ा नाम है VVS लक्ष्मण का। लक्ष्मण ने टेस्ट और वनडे में भारत के लिए कई यादगार और मैच जिताऊ पारियां खेली। उनके क्रिकेट करियर में भारत ने 3 विश्व कप में हिस्सा लिया, मगर वे एक का भी हिस्सा नहीं बन सके। दूसरा नंबर पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक भी ऐसे ही दुर्भाग्यशाली खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें अपने देश के लिए कभी विश्व कप खेलने का मौका नहीं मिला। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के सबसे सफल बल्लेबाज कुक साल 2011 में हुए विश्व कप के लिए इंग्लैंड की टीम में जगह पाते पाते रह गए। वहीं साल 2015 में विश्व कप से ठीक पहले उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। तीसरा नंबर है न्यूजीलैंड के इस तेज गेंदबाज ने अपने देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में शानदार सफलता हासिल की। इस प्रारूप में उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 71 मैचों में 233 विकेट चटकाए, लेकिन क्रिस मार्टिन कभी भी न्यूजीलैंड की वनडे टीम में अपनी जगह नहीं बना सके, इसलिए वह कभी वर्ल्ड कप खेलने वाली न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा भी नहीं बन सके। चौथा नंबर है इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाजों में से एक रहे मैथ्यू होगार्ड ने अपने देश की राष्ट्रीय टीम के लिए 67 टेस्ट मैचों में 268 विकेट चटकाए। वह बहुत दिनों तक इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज रहे। होगार्ड ने इंग्लैंड के लिए 26 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैचों में भी 32 विकेट लिए, लेकिन कभी विश्व कप टीम का हिस्सा नहीं बन सके। पांचवां व अंतिम खिलाड़ी हैं विश्व कप मैच नहीं खेल पाने वाले खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच जस्टिन लेंगर का नाम होना भी शामिल है। 1998 से लेकर 2007 तक ऑस्ट्रेलिया का यह ओपनर बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन करता रहा, लेकिन 1997 के बाद से वे कभी वनडे मैच नहीं खेले। और भी इसी प्रकार वीडियो के लिए एक बार फिर आपको याद दिला दे, इस प्रकार की जानकारी या अन्य जानकारी के लिए इंडिया वेप नंबर वन को सब्सक्राइब करें, सदस्य बने जिससे आपको हमारी सारी सूचना मिल सके। अब हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।